जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.3। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, ये बता निकालना सिखाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। ठीक, n माइनस वन डी, ठीक, टू ए एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर ये जानना हो तो क्या करेंगे, ये n पदों का योग है, पहला पद है a, दूसरा क्या है, दूसरा है a प्लस डी, तीसरा क्या है a प्लस टू डी, चौथा क्या है a प्लस थ्री डी, ऐसे है ना, चलते जाइए चलते जाइए, आखिरी क्या है, लास्ट है a प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैं इसके पहले वाला पूछ लूँ आपसे तो वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस टू डी, अगर मैं कहूँ एक और बता दो तो आप क्या बोलोगे, a प्लस एन माइनस थ्री डी, ऐसे है ना, उल्टा चल रहे हैं। ओके, अब इस पूरी सीरीज को बच्चों मैं पलट के लिखना चाहती हूँ, यानी कि जो लास्ट में लिखा है इसको सबसे पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी, फिर जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसको मैं यहाँ इसके नीचे लिख रही हूँ, हाँ इसके नीचे, तो क्या लिखा है a प्लस एन माइनस टू डी लिखा, इसके नीचे लिख दिया है ना, प्लस इसके नीचे, इसको ऐसे चल ऐसे रहने देते, इसके नीचे तीसरा वाला लिख दिया मैंने a प्लस एन माइनस थ्री डी, प्लस इसको छोड़ दो, हाँ मतलब छोड़ दो यानी कि इसका साथ ही मत लिखो। अब उल्टा चलो, यहाँ से a प्लस टू डी इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो a प्लस डी, ठीक है ना, और लास्ट के नीचे लिखो a। अब हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, देखो इसको कर ली ब्रैकेट, ये एक टर्म, फिर ये एक और टर्म, और फिर ये एक और टर्म, है ना, ऐसे यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म। बच्चों समझ में आई मेरी बात, अगर आपको ये नहीं समझना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आगे बढ़ा दो वीडियो को। ठीक है, वैसे मैं समझा रही हूँ कि n पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, n माइनस दूसरा, n माइनस पहला, और ये nवां, है ना, n माइनस पहला, n माइनस वन है, ये a n माइनस वन कैसे आएगा, a प्लस एन माइनस वन माइनस वन डी, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस टू डी, तो ये कौन सा टर्म हुआ, n माइनस वनवा हुआ, ये हुआ n माइनस टू, ये हुआ a n, ऐसे है ना, ऐसे। तो अब लिखे, यहाँ लिखते समय इनको उल्टा लिख दिया, चलिए अब हम इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब sn और sn जुड़कर कितने हो गए, 2sn, ठीक, इज इक्वल टू, बच्चों मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, देखना ज़रा ध्यान से, a प्लस a से क्या हुआ, 2a हुआ कि नहीं हुआ, प्लस n माइनस वन डी, इन दोनों को जोड़ा तो। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, इसको और इसको, तो मैं यहाँ रफ में जोड़ती हूँ। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर है a प्लस डी, और नीचे क्या है, a प्लस एन माइनस टू डी, ये है, a और a जुड़ गए कितने हो गए, 2a, प्लस यहाँ से अपन d कॉमन ले लो, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 प्लस एन माइनस टू, तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, देख लो आ गया, इन दोनों को जोड़ा इसको और इसको, तो भी क्या आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब हम इसको देखो, उल्टा राइट बना दिया, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, रफ में जोड़ते हैं, ऊपर लिखा है बेटा a प्लस टू डी, और नीचे लिखा है a प्लस एन माइनस थ्री डी, जोड़ कर देखें, a प्लस a से हो गया 2a, यहाँ से हमने d लिया कॉमन, तो ये हो गया 2 प्लस एन माइनस थ्री, तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ से भी आ गया, क्या आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन डी, डॉट डॉट डॉट, इन दोनों को जोड़ोगे ना बेटा, अभी तो जोड़ा इन दोनों को यहाँ ऐसे, नहीं इसको और इसको जोड़ा, वैसे ही आएगा यहाँ पर, हाँ हमने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा हमको 2a प्लस एन माइनस वन डी,
यहाँ से भी आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ से भी आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। इन सबको मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ ऐसे इस प्रकार। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम x प्लस एक्स करते हैं तो क्या होता है, 2x होता है ना। अगर हम x प्लस एक्स प्लस एक्स तीन बार जोड़ते हैं तो हो जाता है 3x। अगर हम x को n टाइम्स जोड़ दें, n टाइम्स, तो हमको क्या मिलेगा, nx। तीन बार जोड़ा 3x, टू बार जोड़ा 2x, चार बार जोड़ते 4x, n बार जोड़ेंगे तो nx, है ना। अब समझो कि ये x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स डॉट 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 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितनी बार, n बार। तो हमने इनको जब जोड़ दिया तो ये n टाइम्स हो गया, n बार जुड़ गए ये, है कि नहीं, ये n टाइम्स हो गया। 2 नीचे ले आइए तो फिर Sn क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। इस तरह से अपना Sn तैयार हो गया, ठीक, Sn आ गया। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा। एक चीज़ और, अगर मैं इस 2a को a प्लस a लिख दूँ तो कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब कुछ याद आ रहा, a प्लस n माइनस 1d क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d क्या होता है, ये होता है लास्ट टर्म l, या फिर ए एन लास्ट टर्म ही तो ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम इस फॉर्मूले को एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, या फिर एन अपॉन टू ए प्लस एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला और आखिरी टर्म जोड़ दो और एन अपॉन टू बाहर लगा दो। तो ये भी एस एन का ही फॉर्मूला है। तो ये कब ज़्यादा काम आता है, जब डी नहीं दिया, आपके सवाल में D नहीं दिया और लास्ट टर्म दिया है तो ऐसे कर लो, D दिया है और N दिया है तो ऐसे जोड़ लो ऐसे फॉर्मूले से, ठीक है ना। बहुत हो गई बातें, चलिए सवाल करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, 2 फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 2, 7, 12 10 टर्म्स। इसमें a कितना है, a है 2, d कितना है, d है 7 माइनस 2 यानी कि 5, और n है आपका 10, आपको s 10 बताना है, ठीक है। n अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2, 2a, a 2 है 2a, प्लस n माइनस 1, और d कितना है 5, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, 10 को 2 से कैंसिल किया तो 5, ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5, तो 5, 4 प्लस 45, तो ये हो गया 5 इंटू 49, और 5 9 आर 45, 5 4 आर 20 एंड 4 2 45, ये अपना हो गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, कम टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। तो ए हुआ बच्चों -37, डी हुआ -33, -37, तो -33 प्लस 37 तो आ गया 4, है ना। अब a है, d है और n भी दे रखा है, 12 टर्म्स। हम निकालेंगे s 12, ये होगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है, चलो मैंने फॉर्मूला लिख दिया या 12 लिख दिया, तो यहाँ sn लिखते हैं, ठीक है। अब s 12, 12 अपॉन 2, 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1, डी कितना है 4, तो ये हो गया 6, ये हो गया -74 प्लस 44, यहाँ से 11 और 11 4 आर 44, तो 6 इंटू
माइनस 30 दैट इज माइनस 180। ठीक है बेटा। नाउ पार्ट नंबर 3, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो ए हुआ 0.6, डी हुआ 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1 और एन बच्चों 100 है। ठीक है, तो एस 100 डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, नहीं लिख रहे एन से, है ना, डायरेक्ट 100 से कर रहे हैं। तो ये हो गया 2a, a मीन्स 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डी कितना है 1.1 ऐसे। तो ये हो गया 50, ठीक, ये हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9s are 99 and 9 108, तो 108.9। ठीक, नाउ 50 और इनटू, इनको ऐड कर दो, 9 और 2 11, 8 9 और 1 10, 110.50, तो 0.5 1 5 0.55 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5505.5, 100 टर्म्स का। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 4, इट इज 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। ठीक, ए कितना है 1/15, डी कितना है 1/12 माइनस 1/15, तो बच्चों इसका LCM आएगा 60। तो यहाँ आएगा 5 - 4 यानी कि 1/60 और n हो गया है 11। फिर हम लेंगे S 11, तो ये हो जाएगा 11/2 और फिर आएगा 2A, तो 2 × 1/15 प्लस 11 - 1 और D है 1/60। अब मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ, ये हो गया 11/2, ये हो जाएगा 2/15, आपको दिखा, ये हो गया 2/15, है ना, और 11 - 1 किया तो कितना आएगा बेटा 10 आएगा, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस 10 × 1/60, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब हुआ 11/2, फिर हुआ 2/15 प्लस 1/6, 11/2 LCM, LCM हो गया 30, तो 15 × 2 = 30, 2 × 2 = 4, 5 आएगा यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा 11/2 × 9/30, तो 3 × 3 = 9 और ये 10, तो आपका आंसर हो गया 33/20, आंसर इज 33/20। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 बच्चों ओवर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, फाइंड द सम्स। इन्होंने अब थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, n नहीं देकर लास्ट टर्म दे दिया, बस इतना सा परिवर्तन है। पार्ट 1, पहला है 7, फिर है 10.5, ठीक है 10.5, फिर है 14 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 84। तो बच्चों a है 7 और d मुझे दिख रहा है 3.5, देखो ना 10 साथ में 3.5 जोड़ के तो 10.5 होगा, लेकिन हम आपको ढंग से भी करके दिखा देते हैं। देखो D कैसे आता है, D आता है a2 - a1 करने से, है ना, तो a2 कितना है 10 होल नंबर, 1/2 से हो गया 21/2 माइनस 7/1, LCM हो गया 2 × 21 - 14 यानी कि 7/2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 7/2, है ना। अब ये 84 क्या है, इट इज़ an, ये an है, है ना, तो ए एन है 84, मतलब इसमें थोड़ा सा एन निकालने की मेहनत बढ़ा दी और तो कुछ नहीं है। ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 84, ए है 7 प्लस एन माइनस 1 डी है 7/2 इज इक्वल टू 84। ठीक है,
तो n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2, तो 84 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 से हो गया 77, n माइनस 1 से हो गया 77 इंटू 2 अपॉन 7, 7 वन ज़ा 7, ये हो गया 11, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, तो n इज 23 नाउ। अब हम बहुत आराम से S23 निकालेंगे, ठीक। तो पहले Sn का फॉर्मूला लिख दें एक बार, बहुत टाइम से नहीं लिखा। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। n यानी अब हम S23 लेंगे, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 2 इंटू a है 7 प्लस n है 23 माइनस 1 हो जाएगा, और d 7 अपॉन 2, 23 अपॉन 2 फिर हो गया 14 प्लस 22 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 23 अपॉन 2 14 प्लस 77, ठीक है ना। तो 23 अपॉन 2 इंटू 7 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, अब इनको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 23, अब मैं ऐसे ही करना पड़ेगा बाबा, इतनी तो परफेक्ट नहीं हूँ मैं। 3 वन ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 2 वन ज़ा 2, 9 ज़ा 89, ये हो गया 2192 अपॉन 2। अब इसको आप डिवाइड करो 2 से, तो 1 फिर 0 फिर 9 फिर 3 आएगा, सॉरी गड़बड़ देन 1 एंड 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 1091 होल नंबर 1 अपॉन 2, ऐसे ये 3 आएगा, ठीक। तो हो गया पार्ट नंबर 1, है ना। अब आ जाओ पार्ट नंबर 2 पर, इट इज़ 34 देन 32 देन 30 देन 10। ए 34 है, डी नेगेटिव है क्योंकि कम होते जा रहे हैं, आपको भी दिख रहा है ना, और एन एन नहीं ए एन है ना, आखिरी टर्म है 10, ए एन है 10, ए एन है 10। ए एन का फॉर्मूला लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 10। ए है 34 प्लस एन तो मालूम ही नहीं है, डी है माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 24, एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 2 से आ गया 12, एन हो गया 13। अब हम निकालेंगे एस 13, है ना। एस 13 होगा 13 अपॉन 2 2 इंटू 34, ये ए है, प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, और डी कितना है माइनस 2, है ना। तो ये हो गया 13 अपॉन 2, ये हो गया 74 प्लस 12 इंटू माइनस 2, तो 13 अपॉन 2 74 माइनस 24, 13 अपॉन 2 इंटू 50, 25 दिया 75, 25 एकम 25 और 7 32, 325 आंसर हो गया, ठीक। बच्चों यहाँ मिस्टेक है, ये 34 टूजा 74 नहीं होता है, ये मैं 37 पता नहीं कौन से सबकॉन्शियस माइंड में देख लिया, इट इज़ 68 यस। अब मैं यहाँ पर दोबारा कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो फिर एस 13 ये होगा 13 अपॉन 2 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 एंड माइनस 2 इस तरीके से, ठीक है। 13 अपॉन 2 ये होगा बेटा 68, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, माइनस 24 13 अपॉन 2 इंटू 44, तो ये हो गया 22 से कैंसिल, है ना। अब 13 दुनी 26, 2 13 दुनी 26 और 2 28, 286 आंसर इज 286। पार्ट नंबर 3 आई एम डूइंग हेयर, जस्ट अ मिनट। पार्ट नंबर 3 इज माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 230, ठीक है बेटा। अब ए कितना है, ए है माइनस 5,
डी हो जाएगा माइनस एट माइनस माइनस फाइव, तो माइनस एट प्लस फाइव से हो जाएगा माइनस थ्री, और ए एन से हो जाएगा माइनस टू थर्टी। ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी। ए कितना है माइनस फाइव प्लस एन माइनस वन डी कितना है माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी। ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाओ, एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस टू थर्टी प्लस फाइव। ओके, अब एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू ट्वेंटी फाइव। एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, एन माइनस वन इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव, कैंसिल करके देख लेना। हाँ, तो बच्चों n आ गया है 76। अब हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब n कितना है 76, 76 अपॉन टू, टू इंटू वॉट इज a, a इज माइनस फाइव प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स 76 माइनस वन, और d कितना था, d था माइनस थ्री, है ना। तो ये हो जाएगा टू थ्री ज़ार सिक्स, टू एट ज़ार सिक्सटीन, थर्टी एट। ये हो गया बच्चों माइनस टेन प्लस सेवेंटी फाइव इंटू माइनस थ्री। ओके, तो हो गया थर्टी एट माइनस टेन इंटू, सॉरी, थर्टी एट माइनस टेन माइनस, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो तो 225 है ना, फिर हो गया 38 इंटू माइनस 235, तो माइनस तो लाजिमी है, आएगा ही आएगा। अब हम 235 को बेटा 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 फाइव ज़ार 40, 8 थ्री ज़ार 24 और 4 28, 8 टू ज़ार 16 और 2 18, हिंदी में कर दें, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दो नीचे और 1 7, 0, 3, 9 और 8, तो आपका आंसर है बेटा 8930। करेक्ट, क्लियर, आया समझ में। बस इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे हैं, बाकी के क्वेश्चंस आगे की एक्सरसाइज हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।